हाँ जी, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे भैया? आज भाई लोग दोनों चश्मे में मस्त एकदम। फाइनली चश्मा मिल गया मेरे। बहुत दिनों बाद ढूंढ के लाया। गर्मी मस्त हो रही है, प्लस यार इतने दिन से जो आया हुआ ना मैं यहाँ पे, 10 दिन से ज्यादा हो गए मुझे, है ना? 16 को आया था, 10 दिन हो गए। तो डेली इसके साथ ऑफिस जाता हूँ या फिर ट्रैवल हो रहा है। इंदौर गए, 7-8 घंटे का ट्रैवल, वो फिर वहाँ से महाकाल के दर्शन करने गए, फिर वापस आए। कल भी हम जो हनुमान जी के वहाँ मंदिर गए थे, ऐसी थकान हो गई। लेकिन 6 घंटे का ट्रैवल प्लस तुम डेली जब ऑफिस जा रहे हो, तुम कुछ काम कर ही रहे हो, और इतनी गर्मी में एक अलग थकान हो जाती है, पसीने ये वो, मन ऐसा हो जाता है कि यार क्या करें यार, पानी में पड़े रहे ऐसे मगरमच्छ की तरह। लेकिन मैंने अहमदाबाद में एक चीज नोटिस करी है, यहाँ ना स्पा बहुत सारे हैं, ड्राई स्टेट है, यहाँ अल्कोहल नहीं मिलता है, और अपना क्या सोडा सिकंजी और यही सब चलता है ड्राई स्टेट के साथ। और क्या क्या है, और क्या चीज की वो है, मेन यही है कि ड्राई स्टेट है इतनी गर्मी के बावजूद। हाँ, ड्राई स्टेट और गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत कुछ है नहीं था एंजॉयमेंट के लिए, बस आप रेस्टोरेंट जा सकते हो, बस रेस्टोरेंट जा सकते हो। वो प्लस ये जो वाटर पार्क वगैरह, वो गर्मी में इतना पानी उबलता रहता तो कौन जाएगा वहाँ पे। उसने बात भी करी थी अपने दोस्त से, इसके कुछ दोस्त का ही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये थकान को मिटाया जाए कि कुछ स्पा में जाया जाए, क्योंकि इतने स्पा देख लिए, इतना स्पा देख लिए, आपको भी अभी रस्ते में दिखा दूंगा ना, इतने स्पा दिख जाएंगे। तो कहीं ले चले यार कोई अच्छी सी जगह। वैसे तो भाई बोल रहा है आज दोपहर में चलते हैं, मेरे एक फ्रेंड का है स्पा। अच्छा, प्रहलाद नगर एरिया में। पक्का? तो आज दोपहर को चलते हैं लंच। वैसे मुझे स्पा में पता भी नहीं होता कि स्पा में होता क्या, मतलब क्या है कि उसमें वो, मैंने भी करवाया नहीं है, पर मैं उसके साथ बैठा हूँ उसकी ऑफिस में। हाँ, तो आज चलते हैं। वो मैंने वीडियो देखी ना, उसमें शायद वो स्टोन रखते हैं आपकी कमर पे, अलग अलग है, बहुत सारी थेरेपीज होती है। अच्छा, थेरेपी कौन सी करवानी है वो ही बता पाएगा। ओके ओके, अपने दोनों पहली बार करवाए। तो वही है, मैंने से बोला कि यार जब इतने हैं तो कोई यूज करके देखते ना क्या होता, क्या पता अच्छा लगे, इतनी थकान भी हो जाती है शरीर में। ये तो पूरे दिन इसके तो बेचारी कमर भी टूटी पड़ी है, गिर गया था इंदौर ट्रैवल पे, तो उसकी भी प्रॉब्लम हो रखी है। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा स्पा भी हो जाएगा, थोड़ा एक हो जाएगा कि चलो अहमदाबाद में करवाया। बाकी अभी आपको रस्ते में दिखाऊंगा कैसे कैसे स्पा होते हैं। बहुत भाई, ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे कहीं ना कहीं नजर पड़ी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ जैसे भी वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है कहीं पे। अच्छा, बहुत सारे हैं देखो, हर होटल में होंगे। हाँ, वो देखो द ओजोन स्पा, द स्पा, दो दो स्पा है एक इसमें, बराबर बताओ। हर बिल्डिंग में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। नहीं सही है भाई, अगर देखो जाएंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, जिसके दोस्त का है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो भाई वहीं चले जाएंगे, और भाई पता तो चलेगा यहाँ पे रोड पे आम बेच रहे हैं लोग। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं तुम्हारे ऑफिस, है ना? ऑफिस चलते हैं, फिर बाद में आप लोगों से मिलेंगे। आज स्पा करवाने जाएंगे और उसका फील बताएंगे कैसा लगा। आपको भी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, और अहमदाबाद में हो तो भाई मस्त है भाई, जाओ। क्या पता भाई डिस्काउंट दे दे, बात कर ले दोस्त है भाई, डिस्काउंट देगा यार, ऐसे कैसे डिस्काउंट लेंगे। तो जी हम यहाँ पर प्रहलाद नगर में पहुंच चुका है ना, आनंद नगर रोड है, प्रहलाद नगर आनंद नगर रोड। और सरप्राइज ओपन करूंगा, ओह माय गॉड, सरप्राइज इज कमिंग। हमारा 3-4 घंटे का काम था, निपटा लिया। लेकिन मुझे जो लग रही है इस टाइम, लग रही है प्यास बहुत जोर से लग रही है, बिल्कुल पानी नहीं पी पाए। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये भाई बोल रहा है कि यहीं पे कहीं है, बस आने वाला है भाई, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं अभी, और आपको देंगे सरप्राइज। मतलब कि पहले तो मुझे ही मिलेगा सरप्राइज, आपको और मेरे को साथ में मिलेगा सरप्राइज। मेरे लिए तो स्पा तुझे पता ही है जा रहे हैं। हाँ। लेकिन कौन सा ले जा रहे हैं वो अभी सरप्राइज बताना बाकी है। ओके, सरप्राइज इससे बड़ा सरप्राइज ये है, सरप्राइज रशियन फ्लैग। बट ऐसा क्यों रशियन यहाँ पे फ्लैग? रुक तो जा भाई, ये है वो स्पा की जगह, ये देखो आदमी, और यहाँ पे रशियन फ्लैग है, रशियन फ्लैग मेरी भाई, क्या बात है। व्हाइट पेरिस इज अ होली मसाज टेम्पल, क्या बात है भाई, क्या बात है। का नाम है, क्या नाम था, मैं भूल गया, व्हाइट पेरिसी वेलनेस एंड स्पा, ठीक है। बहुत प्यारी जगह है, और मेरे सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को रशिया, ये चल रहा है। वहाँ से हमने एंटर किया था, जहाँ पे आपको पीछे दिखाया था,
ये वो जगह है, और ये नितिन मेरा भाई, और ये सौरभ भाई। हेलो। तो ये सौरभ भाई ये हैं तेरे? सौरभ भाई मेरे फ्रेंड हैं जी। और ये यहाँ के फाउंडर और डायरेक्टर ओनर यही है। ओके, तो ये है मैं। इसलिए मेरा मन था कि तुझे यहाँ लेके आऊंगा, और सरप्राइज मैंने बाहर तुझे दे ही दिया था। हाँ, वो एक हुआ है अभी, लेकिन तूने बोला दो सरप्राइज हैं। दूसरा सरप्राइज अभी सौरभ भाई बताएंगे आपको। दूसरा बस सरप्राइज पे सरप्राइज बता रहा है। तो आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाइट प्राइसिंग, क्या क्या बात है आप, ये भी सरप्राइज है क्या रशियन में बोल रहे हैं? हाँ, मैंने यही क्वेश्चन था आपका, रशियन फ्लैग वगैरह लगा रखा है ना, इसमें क्या है? वी आर वर्किंग इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, कब से आपने ये खोला हुआ है? अच्छा, 2018 से। सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर। बाकी नीचे से जो एंट्री की है ना, वो ही बहुत प्यारा लगा। वो रशियन अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अभी हम वेट करते हैं दूसरे उसका। बाकी अभी उन्होंने पानी वानी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हमें मंगाया, देखो जूस वूस तो बैठे हैं। यार ऐसा मत करा करो यार नितिन भाई, सरप्राइज अभी और आएंगे आपके लिए। अभी सरप्राइज हमें अच्छे लगते हैं वैसे भी, देखते हैं क्या होता है सरप्राइज लाके। आगे बात करते हैं, बाकी आपको बताएंगे बाद में, थोड़ा सा स्पा स्पा करने के बाद में जो भी है स्पा। ठीक है, तीनों रूम में वो ओरिजिनल फूल लगवा दे। तो भाई देखो ये चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर टीवी पे। रशिया भी घूमे हो सौरभ भाई आप? क्या बात कर रहे हैं, मॉस्को वाह, रशियन वर्ड। भाई भी 2013 में घूमा ये भी, ये मेरे को ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? आप 2016 में घूमे हो, बट ये देखो कैसे अनलकी रहे कि आप इतनी पास से जाके भी मेरे से नहीं मिल पाए। नहीं, अगर पहले बता देता कि ऐसे कोई भाई आ रहे हैं तो हो जाता ना मजा। कोई बात नहीं, अगली बार आओगे तो पक्का मिलेंगे। बाकी अच्छा लग रहा है आपने जो टीवी पे लगा रखा ना सब, आपका अंदर से देखेंगे सब कुछ चलता रहता है पूरे टाइम। फुल रशिया, रशिया से प्रेम है आपको हमारी तरह। बाकी आप हम हाँ ये भी है हिंदी रिसु भाई भाई, बस भाई भाई नहीं रखना, भाई भाई तक रखना है। अच्छा अंदर का आप दिखाओगे ना, हम देखेंगे सब। ठीक ठीक है, चलिए क्या मस्त। ओके ये है वाइट पेरिसी, बहुत मस्त लग रहा है एकदम। ओ वाओ, ये तो नोटिस ही नहीं किया। क्या बात है, और अभी तक हम यहाँ बैठ के भी जूस वूस सब ले चुके हैं, मस्त जगह लगी मुझे एकदम से। और हेलो हेलो, थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू। इसने भी रशियन में बोला प्रिय, अभी इस रशिया दिस वॉज अ सेकेंड सरप्राइज, ये था सेकेंड सरप्राइज। और ये भी हाँ, शी इज फ्रॉम रशिया, ये रशिया से, ये था सेकेंड सरप्राइज। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम वर्किंग इन माय फाइनेंशियल सेक्टर, आल्सो इज थेरेपी, आई कैन प्रेजेंट। अच्छा, तो ये था सेकेंड सरप्राइज कि भाई ये रशिया से है, और रशियन फ्लैग भी इसलिए था। No, you can sit. Yes, you can. अभी बात करते हैं, पहले इनसे बात करते हैं, इनसे फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आ गए हैं, और ये है सेकंड सरप्राइज आना, शी इज फ्रॉम रशिया। प्रियत प्रियत, तो आना यहाँ पर है। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम वर्किंग हियर एज असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, ये असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा था मेरे को नितिन भी और सौरभ जी भी कि ये यहाँ पर कौन सा सरप्राइज है मेरे लिए सेकंड। अरे लेकिन ये सब फूल वूल देना यार, ये क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन थैंक यू, दिस इज फॉर यू। लड़कियों क्योंकि रशिया में लड़कियों को फूल ज़्यादा दिए जाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। लड़कों को क्या फूल चाहिए, लड़कियाँ हैं तो उनको फूल दो ना, सबसे अच्छा है। बाकी अभी आना से बात करेंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अहमदाबाद में इतनी गर्मी में मुझे आना मिली है, सच में रशियन मिली है कि रशियन में मैं बात कर पा रहा हूँ।
तो अभी कुछ पूछेंगे, आना से बाद कर लेते हैं, फिर आपको बात करते हैं बाद में, कि बाद में बताते हैं कि क्या है कैसे, कितने टाइम से यहाँ रह रही है, फिर आपसे बात करते हैं। सॉरी अभी बहुत देर से मैं आना से बात कर रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें जो से पूछ रहा था, क्योंकि रशियन में बात करते हैं, लेकिन अभी भी मैं कुछ रशियन में से बात करूँगा, क्योंकि बहुत दिन से रशियन भरी हुई है ना अंदर, बात नहीं करी किसी से, एक महीना हो गया ऑलरेडी इंडिया। तो आना से पूछने वाला था ना, काफ़ी जीव से официально это будет трудоустройство в салоне, контракт. А, все официально, да? Не так? Нет, все. А вам нравится здесь или нет? Конечно, очень нравится. А что вам нравится? Здесь жарко? Жарко, но здесь очень хорошо, что голливудские фильмы, я очень люблю. Я люблю еду индийскую некоторую, не острую. Да, люблю индийскую культуру, храм, очень хорошо. Сам пасанд ата, мене се пуча, ти официали яха пе кам карти я, официали ворк карти я, плюс иско индиан кулчар, во жо, апко и пата, ки рашен ладкио ко кя пасанд ата, индиан кулчар, индиан фуд, Болливуд, ие сам чизе, то во чизе са хуй не сакта, ки ана кур пасанд ата, то ие ие, аби ям апко андер ка дихаенге, ки яха пар спа ке рум, ари са терапи рум, кесе оте, да, вот. तो अभी आना के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने जो मॉस्को रूम्स बना रखे हैं, मैंने सुना है कि दवाई से पास मत है, प्लीज कम दवाई खाइए, दवाई 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 मेमो कुछ दिक्कत नहीं, फिर भी वास पोस्टले वास मॉस्को रूम। ओके, दिस इज अ मॉस्को रूम, यू कैन सी अ वॉच यू वांट। इधर चर्च है अपना रेड स्क्वायर का, क्रासिवा वापशे कोमनाता नो परस्काजी चेस्टो तम। हाँ, इस दिस वोटे तो जनी माय चेदा वोट। दास दिस डिलेट सा मसाज। आयुर्वेदिकी। आयुर्वेदिकी मसाज। हाँ, इसको वोटे। निश्चित विधि मसाजा ये स्ट्रांग। What is this? This is a box with all one-time use. Things for massage. For guests. Yes, for guests. Okay. Like this is a towel. Everything one time. Everything is one time. Yes, this is inner. Uh-huh. Also, we have pure coconut oil. Oh, wow. Only pure coconut oil is used for massage, okay. Which is very good in hot season. It is cooling. Ah. So it's very good. And of course, shampoo and shower gel. Shower gel. So okay. That you can after. Massage. Person can take a shower, mm-hmm. and wipe and relax. Clean and music relax. Also so beautiful. Yes, yeah. Also relaxed music as well. Beautiful. This is also so beautiful. बहुत सही लग रहा है, बहुत सुंदर है जगह, और पूरा मॉस्को है तो जो मस्को वाह रेडिसन देखो भाई, रेडिसन होटल, ये कितनी बार मैंने अपने व्लॉग में दिखाया है, ब्यूटिफुल काक मस्कवा करा सिवा का काना करा सिवा थैंक यू नो भाई पैगम तू द पकाजो इष्टो बहुत कॉरिडोर मिलोर भाई पोस्ट ले वास एंड दिस अदर रूम्स हां यू वांट टू सी अदर रूम्स मे बी दिस वन देयर इज फर्स्ट वन ओके बिकॉज़ आई सॉ बिफोर देयर इज आल्सो मॉस्को नो ओके ब्यूटीफुल Конечно, вы можете обратиться к нам напрямую. Мы вам поможем с нуля. Да, я и Сорок, мы поможем вам с нуля полностью открыть спа-салон и поддерживать полностью. Ведем вас в курс дела, как это делается. Как производится открытие, что необходимо, полностью все, что там, да. Аюрведический вот да, все, что необходимо для открытия аюрведического салона, мы вам. Ну, если вы смотрите оттуда, ну как из России, если вы хотите, то вы тоже можете нам контакт. Мы контакт, да, дадим? Да, конечно, да. Конечно. Вот. Сорок дадим вот контакт, потому контакт, что. Контакт, да. Контакт Сорок. А если вы как здесь работаете?
если девушка, которая смотрит или кто хочет здесь работать, тогда что? Они могут также обращаться к нам напрямую. Это будет официальное трудоустройство, очень хорошее. Они тоже можно работать? Это будет вам интересно. Девушки, кто делает профессиональный массаж. Здесь в Индии другой вид массажа. Поэтому массаж, который делается за границей, здесь не найти. Поэтому это очень ценится. Сертификат тоже нужно взять? Который профессиональный? Да, конечно. Сертификат будет необходим, но важнее всего ваши способности. И они будут все официально работать? Да, официально трудоустройство. Потому что сейчас мы видео говорим, потом... Нет, приглашение, официальное трудоустройство, контракт, где описано заработная плата, все условия работы. Это для русских людей, которые... Да, жилье все предоставляют. А если индусы, вы понимаете, английские, которые в России живете, вы хотите такой бизнес открывать там, это тоже можно. Да. Все там, официально. Сертификаты, что нужно. Но все мы поможем с нуля. С нуля все можем сделать. Потому что сейчас мы работаем не только в Гуджарате, мы работаем по всей Индии. И помогаем людям открывать салон. Поэтому если вы хотите в Индии открыть салон, вы не знаете как, что сейчас не можно говорить это. Мы еще открываем сейчас какой-то такой интернет. Также мы сейчас через 2 месяца наша компания выходит на рынок White Paris Entertainment. Я co-founder White Paris Entertainment. И мы вместе... И что это White Paris Entertainment? С сэром. White Paris Entertainment – это компания с артистами, русскими артистами, артистами с постсоветского пространства, которые... Здесь их много работает, на самом деле. Вот артисты, которые выступают. Поэтому если артисты нас сейчас смотрят, или вы знаете каких-то артистов, пожалуйста, вы можете контактировать с нами. Любые фаер-шоу, белли-дэнс, любые виды танцев, артисты, музыканты, все. Это вы будете официально его виза дадут? Конечно, вот все, официальное приглашение. Зарплата по времени? Зарплата вовремя, зарплата после каждого выступления, все официально, и жильё предоставляется. Понятно. То это вы понимаете так, они еще открывают White Paris Entertainment. Это вот, который где свадьба и это вот, да? Да, все, на свадьбах, здесь на свадьбах, как потому что знаем, большой, да, большое шоу, да, вот такое, и все хотят очень, чтобы было красиво. Это поэтому. Круто. А вы где будете? Это Гуджарат или куда-то? Нет, не только Гуджарат, по всей Индии. По всей Индии? Да. Круто, для вас будет, вы влиять тоже будете с Индией. Мы сотрудничаем с компаниями по всей Индии, поэтому артисты будут выступать. Тоже хорошо. तो भाई अभी हमने जो बात करी है सब रशियन में जो करी वो सब बातें अभी हम जो यहाँ के को-फाउंडर हैं सौरभ भाई, सौरभ जी उनसे मिलके बात करेंगे और उनसे बताएंगे फिर आपको हिंदी में समझाएंगे कि क्या क्या इन्होंने जो नई कंपनी खोल रहे हैं वाइट पेज एंटरटेनमेंट और ये बिज़नेस सेटअप के लिए मैंने जो पूछा इनसे कि वहाँ पर सेटअप अगर करना है रशिया में तो आप लोग भी कर सकते हो. मुझे लगा था कि सिर्फ इनका यहीं पर बिज़नेस है तो मैं यहाँ पर बस एक थेरेपी लेना हो क्योंकि मुझे निक्की ने बोला कि भाई थेरेपी दिलवाता हूँ तेरे को. लेकिन यहाँ तो फुल मजा आ गया, इंटरव्यू हो गया, मस्त एकदम आना से बात करने को मिल गई. लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे समझ में आया कि ये बिज़नेस भी कर सकता हूँ मैं रशिया में. मैंने कहा क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो बात करेंगे फिर सौरभ भाई से बात करेंगे, अभी मिलते हैं उनसे ऑफिस में ऊपर, तब उनसे बात करेंगे, तब आपको समझाएंगे कि क्या आप कर सकते हो या क्या मतलब कि ये जो यूज़ कर सकते हो वाइट पेरिस एंटरटेनमेंट को भी, सर्विस को भी यूज़ कर सकते हो. इवेंट शादी और होती है ना जो डेस्टिनेशन शादी होती है सब इस चीज़ पर. ठीक है, चलो भाई. हाँ जी, तो हम लोग बैठे हैं अभी ऊपर ऑफिस में. भाई पूरा शरीर तोड़ दिया एकदम, गर्दन वर्दन सब मरोड़ के एकदम मजा आ गया, मस्त कि इतने दिन की जो थकान है लेकिन अभी मन कर रहा है कि अपना बेड मिल जाए, सोया बट लेकिन कल हम अंबाजी जाना. बट अभी हम लोग बैठे हैं ऑफिस में सौरभ भाई के. नीचे आना के साथ जब हमने बात करी थी तो रशियन में बात करी थी, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है. अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो रशिया में, जो मैंने पहले ही बताया था, उसके लिए 2-3 ऑप्शन और खुल गए हैं, तो उसके बारे में भी सौरभ भाई से बात करेंगे और उनसे कुछ जो जानकारी मिलेगी वो शायद आपके काम आ सकती है. बस यही है अपना, तो यही है लोगों के कॉन्टैक्ट मिलवाने. बाकी जैसे इसने मुझे सौरभ भाई से मिलवाया, अब मैं सौरभ भाई से मिल गया, तो मैंने कहा चलो भाई अब क्या पता हम लोग मिल के कुछ और कर लें. तो ऐसे होता है, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट. देखो ये देखो, दुबई, रशिया, फुकेट, थाईलैंड और यहाँ सौरभ भाई.
सौरभ भाई यहाँ पे भी पूरा मैप लगा रखा है एकदम। पीछे क्या है? पीछे दुबई है। अच्छा ये दुबई, हाँ बुर्ज खलीफा। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम? नमस्कार भाइयों बहनों, मैं वाइट बेल्जी का फाउंडर। एक्चुअली अगर आपको मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग में स्पाइन वैलीज रिगार्डिंग जो भी बिजनेस ओपन करना है, फिर आप होटल्स समथिंग रिसोर्ट सम क्लब्स, तो अगर आपको आयुर्वेदिक बिजनेस ओपन करना है उसके अंदर स्पाइन वैलीज में बहुत सारा स्कोप अवेलेबल है। प्राइस स्टार्टिंग होता है 3,000-4,000 रुपीज़ है। फिर इफ यू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस स्पाइन वैलीज रिगार्डिंग, वी कैन हेल्प यू फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, ए टू जेड फैसिलिटीज फ्रॉम द प्री प्लानिंग टू पोस्ट प्लानिंग, सब कुछ एकदम मतलब कि विदाउट टेंशन लोग आपके साथ है ना, वेरी ट्रांसपेरेंट वी आर वर्क। नहीं सही में सौरभ भाई पता है, क्योंकि मेरे से बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मुझसे मिलते हैं पूछते हैं कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस बता देते हैं, लेकिन आज जब मेरे को ये क्लिक किया ना, जब आपने बताया मेरी जब आने से बात हुई थी कि भाई, तो मेरे को लगा कि ये भी तो एक इंडस्ट्री बता सकते हैं लोगों को अगर शुरू करना है, और आप सेटअप करवा सकते हो आप इस इंडस्ट्री में हो। तो अभी आजकल क्या है कि लाइफ के अंदर सबका टेंशन ज़्यादा बढ़ गया है, बिजनेस मतलब बिजनेस हो, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, लेकिन क्या है कि वो सब टायर्ड हो गए अभी राइट आफ्टर कोविड, तो पीपल का स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है। वही 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 हाँ, अभी स्ट्रेस रिलीफ के लिए स्पाइन वेलनेस तो बहुत जरूरी हो गया है, वही आयुर्वेदा और ये सबको फॉलो भी करते हैं बहुत। हाँ ऑयल्स वगैरह जो भी हो गया, तो इसको भी स्पाइन वेलनेस का बिजनेस स्टार्टअप करना है, इवन इंडिया के अंदर होटल्स के अंदर रिसोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी वी आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया के बहुत सारे होटल्स इन अहमदाबाद, जिसको रशिया में इंटरनेशनल को भी स्टार्ट करना है। बस आपको उदयपुर में भी है ना शायद? ओके, और अहमदाबाद में एक ही है अभी? बट सही है। नहीं बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपकी जो हमने स्पा भी ली बहुत अच्छा एंजॉय किया, मैं तो पहली बार लाइफ में ली है, बाकी आना यहाँ बैठी हुई हमारे साथ। एक्चुअली सर हमारा एक वाइट पैलेसी एंटरटेनमेंट करके एक कंपनी आ रहा है, उसके अंदर हम लोग जो है वो मैरिज वेडिंग्स वगैरह हो गया उसके अंदर हम आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा हाँ हाँ, वो मैंने बताया था जब आना से बात करते हैं, अब आप बताओ। हाँ कैसे? वेरी डांसिंग है, वेडिंग्स के अंदर आर्टिस्ट सप्लाई करते हैं हम, पूरा मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट करके देते हैं। ओके, तो वो वेबसाइट वगैरह डाल देंगे हमारे कि उनका जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर उसकी हमारे आर्टिस्ट के हिसाब से उनका मतलब पूरा चार चांद लग जाएगा। हाँ वही लोगों को चाहिए भी एकदम, आजकल चल भी रहा है ना ऐसा। तो हम तो भाई नंबर जो दूंगा ना आप इनसे करवा सकते हैं, शादी वादी करवानी है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है ना? ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में भाई कोई दिक्कत नहीं है। रशियन आर्टिस्ट ऑल्सो भी है। अच्छा रशियन आर्टिस्ट भी मिलेंगे आपकी शादी रशियन? और क्या होता है रशियन आर्टिस्ट के अलावा और दूसरी कंट्री के भी आर्टिस्ट आते हैं? वो अभी बेली डांस वगैरह जो, हाँ वो रशियन, हाँ वो फेमस है। राइट राइट, बहुत सारा सेटअप है, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आप हमें हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट। बस ठीक है भाई, बता दिया मैंने नंबर पे कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच कि आकाश भाई का कॉन्टेक्ट हो गया, अभी इंडिया के अंदर अहमदाबाद बैठे हुए, कभी हमने सोचा नहीं था कि आकाश भाई को यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर इंडिया में हम मिलेंगे। वस्तु का तो सोच, ये सब सब लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने लिख रखा है, क्योंकि अभी नितिन के द्वारा ऐसा हुआ, बात ही चली थी बस ऐसी, कल मेरी बात हुई थी, फिर आज मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, फिर ये लेके ऐसी जगह है जब इसने बोला ना सरप्राइज है, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि रशियन फ्लैग लगा होगा वहाँ पे और रशियन भी मिल जाएगी वहाँ पे। आप हमारी ऑफिस भी दिखा सकते हैं, अभी अभी हम दिखाते हैं आपको ऑफिस, दिखाते हैं अभी दिखाएंगे। बाकी आपके तो कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए कुछ? नहीं, या फिर आपको और कुछ बताना हो? किसी को भी होटल्स के अंदर स्पा वेलनेस सेटअप करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है रशिया के अंदर, तो आकाश भाई का भी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं भी अपना नंबर मेरा डाला ही रहता है डिस्क्रिप्शन में, टुगेदर भी हम वर्किंग करते हैं। आपका इंस्टाग्राम भी मैं डाल दूंगा ना, जिससे वो चीज चेक कर सकते हैं ग्लोबल करके इंस्टाग्राम। हाँ और आपकी वेबसाइट भी है ना? वेबसाइट ठीक है, उसमें नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट नंबर आपका ही बस ठीक है। हाँ जी, तो जी हम आ चुके हैं, अब अपना घर पहुँचने वाले हैं। बाकी सही एक्सपीरियंस था भाई के साथ, बहुत सारी बात हुई, सौरभ भाई के पास नॉलेज बहुत है यार। नहीं बहुत, जो भी कहो जबरदस्त नॉलेज वाला। इसकी निक की भी अपनी मीटिंग निपटाई आया था, इतने बात करता रहा यहाँ करके। बाकी आप लोगों को जो बताया आप बात कर सकते हो, नंबर दे दिया है मैंने, तब स्क्रीन पे भी डाल दिया था, डिस्क्रिप्शन में है सौरभ भाई का नंबर, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो अगर आपको रशिया में वो अपना स्पा का बिजनेस करना है। नहीं करना, ये देखो बदतमीज लोग हैं ऑटो वाले, चढ़ाने को तैयार है, कुछ जगह नहीं दे रहे, देखो 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 बदतमीज क्या करें बस। हाँ जी, तो कोई भी कांटेक्ट करना आप कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉन्सर नहीं था सर, भाई का दोस्त था कि ठीक है भाई, भाई का दोस्त है और कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो, और रशियन के साथ आज खूब सारी रशियन बोलने को मिल गई तो
क्या है अपना, बोल लिया अपना, जब आती है तो बाहर आ गई है सारी सारी महीने भर की। वैसे तो लेना से बात करता हूँ लेकिन उसके साथ ज्यादातर डेली जो बात करता हूँ हिंदी में ही हो जाती है, तो आज रचन में सारी निकाल दी मैं भूल रहा हूँ एक महीने के अंदर रचन ना बोलूँ तो इसलिए मजा आया। चलो फिर मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले दस विदा दिया। दस विदा दिया।